इम्पॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स ऑन विलियम शेक्सपियर। यहाँ हम देख रहे हैं डे नंबर 5 और हमने डिस्कस किया इम्पॉर्टेंट इंट्रोडक्शन विलियम शेक्सपियर के बारे में। उसके बाद हमने जिक्र किया प्रोफेसर डाउडन और प्रोफेसर विलियम जे लॉन्ग का, जिन्होंने इनके लाइफ टाइम को डिवाइड किया है इनके वर्क्स के आधार पर, उसके नाम दिए हैं। उनके जो वर्क हैं वो हमने डिटेल में जाने, और उसके बाद आज हम देखने वाले हैं कि क्या क्या सोर्स हैं इनके प्ले के। ये प्ले लिखते थे, इनको क्रिटिसाइज़ किया है रॉबर्ट ग्रीन ने, विलियम शेक्सपियर को क्रिटिसाइज़ किया है रॉबर्ट ग्रीन ने, यह कहकर कि ये कौन है, ये प्लेगियरिस्ट हैं, है ना। और प्लेगियरिस्ट कौन पर्सन होता है? प्लेगियरिस्ट वो पर्सन होता है जो कि लिटरेरी वर्क को क्या करता है, चुरा देता है। तो विलियम शेक्सपियर ने भी क्या किया है कि जो वर्क्स हैं वहाँ से वर्क उठाए हैं, उनके प्लॉट चेंज करके, नेम करेक्टर चेंज करके, अपना कुछ क्रिएट करके उसमें डाला है और उसको एक नया रूप दे दिया। ये विलियम शेक्सपियर ने करने का काम किया। वो वर्ल्ड फेमस हो गए, उनके जो प्लेज हैं उनके जो कंटेम्पररी हैं, है ना, उनसे काफ़ी अलग होते हैं, फेमस होते हैं, उन्हें प्रॉस्पेरिटी और पब्लिसिटी, नाम काम और सब कुछ उनको उनके लाइफ टाइम में ही मिल जाता है, जो कि एक ऑथर का, एक लेखक का क्या होता है, सपना होता है। हम आज के इस लेक्चर में उनके प्लेगियरिस्ट होने की बात कर रहे हैं, तो उनके यहाँ पे सोर्सेज जो हैं उनके वर्क के, उसकी बात कर रहे हैं कि उनके जो प्लेज हैं, उनके जो ड्रामास हैं, उसके सोर्स क्या हैं। हम यहाँ पे राफेल हॉलिंस एंड क्रॉनिकल्स की बात करेंगे, प्लूटार्च की बात, केसियो, सेक्सो ग्रामेटिकस की बात करेंगे और आर्थर ब्रूक, ये कुछ सोर्सेज हैं। इनके साथ साथ और भी सोर्सेज हैं, उनकी हम बात करेंगे। बने रहिए मेरे साथ, पूरा देखिए इस लेक्चर को अंत तक, और अपना कमेंट जरूर ड्रॉप कीजिए कि आपको ये कैसा लगा और क्या क्या इसमें और हो सकता है, इम्प्रूव हो सकता है। ठीक है, मेरी तरफ से जो हेल्प होगी आई विल डू दैट वर्क। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे राफेल हॉलिंस एंड क्रॉनिकल्स की बात करेंगे। तो जो पर्सन राफेल हॉलिंस एंड रहे हैं, उन्होंने कुछ क्रॉनिकल्स लिखने का काम किया है। तो क्रॉनिकल्स क्या है? क्रॉनिकल्स जो है वो कालचक्र है। कालचक्र कहने का मतलब ये है कि हिस्ट्री में जो कुछ होता हुआ आया है उसको डेट वाइज लिखने का काम किया जाता है, तो वो क्रॉनिकल्स आ जाते हैं। ठीक है, तो राफेल हॉलिंस एड ने क्रॉनिकल्स लिखे हैं, और ये जो क्या था, एक रिकॉर्ड था, ये एक रिकॉर्ड था किसका, हिस्ट्री का। और हिस्ट्री किसकी? हिस्ट्री स्कॉटलैंड की, इंग्लैंड की और आयरलैंड की। तो यहाँ से विलियम शेक्सपियर ने अपने प्लेस के सोर्स बनाए। उन्होंने जो कुछ हिस्टोरिकल वर्क लिखे हैं उसका चीफ सोर्स रहे हैं, उसका मेजर सोर्स रहे हैं। जैसे कि उनके हिस्टोरिकल प्ले हैं कि हेनरी IV उन्होंने लिखा है, हेनरी V उन्होंने लिखा है, हेनरी VI उन्होंने लिखा है, हेनरी VII उन्होंने नहीं लिखा। इस तरह का क्वेश्चन भी आता है, क्या हेनरी VII किसका प्ले नहीं है? तो ये विलियम शेक्सपियर का प्ले नहीं है, हेनरी VII नहीं लिखा। हेनरी VIII इनकम्प्लीट माना जाता है कि उस वक्त जब ये परफॉर्म हो रहा था तो वहाँ थिएटर में आग लग जाती है। 1613 की ये बात है, 1613 की ये बात है कि हेनरी VIII परफॉर्म हो रहा था तो आग लग जाती है। तो शायद वो रिकॉर्ड्स वगैरह शायद उनका वो सब कुछ जल गया होगा, तो बस ये अनफिनिश्ड माना जाता है हेनरी VIII। हेनरी VII नहीं लिखा है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं कि हेनरी III उन्होंने लिखा है, हेनरी II उन्होंने लिखा है, किंग लियर उन्होंने लिखा है, मैकबेथ लिखा है, सिम्बलिन लिखा है। ये सारे के सारे क्या हैं? राफेल हॉलिंस एंड की जो क्रॉनिकल्स है वहाँ से ये लिए गए हैं, वहाँ से डिटेल यहाँ मतलब लिए गई हैं, वहाँ से प्लॉट लिए गए हैं, तब उन्होंने इस तरह के प्ले लिखे हैं।
नेक्स्ट हम बात यहाँ करेंगे प्लूटार्च की, यहाँ बात हम करेंगे प्लूटार्च की। तो ये एक एंशियंट ग्रीक हिस्टोरियन होते हैं, इतिहासकार होते हैं, फिलोसोफर ये होते हैं, और इनके जो वर्क है, प्लूटार्च के जो वर्क हैं, ये सोर्स माने जाते हैं विलियम शेक्सपियर के। जो कौन से प्ले हैं, जो रोमन प्ले हैं, विलियम शेक्सपियर के जो रोमन प्ले हैं उसका सोर्स प्लूटार्च माना जाता है। एंटनी क्लियोपेट्रा इन्होंने लिखा है, कोरियोलेनस इन्होंने लिखा है, जूलियस सीजर इन्होंने लिखा है, टाइमन एंड ऑफ एथेंस उन्होंने लिखा है, टाइमन ऑफ एथेंस उन्होंने लिखा है। तो ये सारे के सारे क्या हैं, ये इनके रोमन प्ले हैं जिसके सोर्सेज, जिसका जो सोर्स है वो प्लूटार्च मुख्य माना जाता है, जबकि और भी सोर्स इनके जरूर रहे हैं। वो कैसियो की हम बात करें तो ये एक ऑथर रहे हैं, ये एक ऑथर हैं, ये एक लेखक हैं, इटालियन ये हैं, और इनकी जो बुक है, इनकी जो बुक है डेकामिरन 14th सेंचुरी में आती है। ये भी क्या रही है, सोर्स रही है विलियम शेक्सपियर के प्लेस का, जैसे कि ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, सिम्बल इन द टू जेंटलमैन इन वेरोना। तो ये जो प्ले है इसका सोर्स हो कैसी हो रही है सेक्सोग्रामेटिकस। ये एक बुक है जो कि जेस्टा डिनोरम ने लिखी है, जिसमें स्टोरी ऑफ एमलेट है। तो ये हेमलेट की, यहाँ से हेमलेट का सोर्स, मुख्य सोर्स ये माना जाता है ना, सेक्सोग्रामेटिकस को, जबकि हेमलेट का तो और भी सोर्स माने जाते हैं, हेमलेट माना जाता है, ठीक है। आर्थर ब्रूक की बात करें तो इनके जो ट्रेजिकल ये हिस्ट्री है आर्थर ब्रूक ने लिखी है, और ये क्या रोमियस एंड जूलियट, एक ट्रेजिक हिस्ट्री है किसकी, रोमियस एंड जूलियट। तो ये क्या हुए, उनका जो प्ले है रोमियो एंड जूलियट उसका सोर्स ये माना जाता है। अगर इसके साथ एक और बात याद रखना है क्या, कि लव्स लेवर लॉस्ट और द टेम्पेस्ट, ये कहाँ से लिए गए हैं, तो ये कहीं से भी नहीं लिए गए, ये ओरिजिनल प्लॉट हैं, इनका सोर्स कहीं से भी नहीं लिया गया है। तो यहाँ हमने सोर्सेज की बात की, होप करती हूँ कि ये आपको बड़ी ही अच्छी लगी होगी। लाइक से सब्सक्राइब करके मुझे ज़रूर सपोर्ट करें, थैंक यू।